हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल नीटिंग लेसन। फ्रेंड्स, आज मैं गर्ल्स और लेडीज़ के लिए बहुत ही प्यारी सी फुल बाजू स्वेटर बनाकर लाई हूँ। आज मैं आपको इस स्वेटर बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसे बनाई गई है। फ्रेंड्स, इस स्वेटर को आप सूट सलवार, कुर्ती पजामे और जीन्स किसी के साथ भी पहन सकती हैं। सभी के साथ इसकी लुक बहुत ही सुंदर आती है। आगे फ्रेंड्स, मैंने इसे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। अगर आप भी ये स्वेटर बनाना चाहती हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए देखते हैं कि ये कैसे बनाई गई है। देखिए फ्रेंड्स, इस स्वेटर को बनाने के लिए मैंने ये 3 प्लाई वाली ऊन ली हुई है। ऊन आप अपने हिसाब से कोई भी ले सकती हैं जो आपको पसंद हो। ये जो स्वेटर मैं बना रही हूँ ये एल साइज का स्वेटर है और 20 से 21 साल की लड़की के लिए इसे मैं तैयार करूंगी। इस स्वेटर को आप गर्ल्स या लेडीज किसी के लिए भी बना सकती हैं। किसी भी एज और किसी भी साइज में आप इसे तैयार कर सकती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको हेल्थ और ऊन के हिसाब से इसमें फंदे लेना बता देती हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप इस 3 प्लाई वाली ऊन से मीडियम साइज का स्वेटर बनाना चाहती हैं तो बॉर्डर में आप 90 फंदे ले लीजिएगा। अब देखिए, ये जो हमारी नॉर्मल ऊन होती है, वर्धमान, ओसवाल, गंगा, रैबिट, चाहे किसी भी कंपनी की हो, इस ऊन से मीडियम साइज का स्वेटर बनाना हो तो बॉर्डर में आप 96 फंदे ले लीजिएगा। अगर इस 3 प्लाई वाली ऊन से एल साइज का स्वेटर बनाना हो तो बॉर्डर में आप 96 फंदे ले लीजिए। और अगर इस नॉर्मल वाली ऊन से एल साइज का स्वेटर बनाना हो तो बॉर्डर में आप 100 फंदे ले लीजिएगा। 3 प्लाई वाली ऊन से एक्सल साइज स्वेटर के लिए आप 100 फंदे ले लीजिएगा और इस वाली ऊन से आप 106 फंदे ले लीजिएगा। डबल एक्सल साइज इस 3 प्लाई वाली ऊन से बनाना हो तो बॉर्डर में आप 106 से 107 फंदे ले लीजिएगा। अगर इस नॉर्मल वाली ऊन से डबल एक्सल साइज बनाना हो तो बॉर्डर में आप 112 से 115 फंदे ले लीजिएगा। बॉर्डर बनाने के बाद मीडियम, लार्ज और एक्सल साइज के लिए आप बॉर्डर के बाद 10 फंदे बढ़ा दीजिएगा और डबल एक्सल साइज में आप 12 या 13 फंदे बढ़ा दीजिए। डिजाइन को एडजस्ट करने के लिए आप 1 या 2 फंदा इसमें कम ज़्यादा कर सकती हैं, इससे इसमें ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। अब आ जाइएगा फ्रेंड्स इस स्वेटर पर। ये देखिए, ये स्वेटर मैं एल साइज का बना रही हूँ और 3 प्लाई वाली ऊन से बना रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने 96 फंदे लिए हुए हैं। फंदे इसमें मैंने डिजाइनर डाले हुए हैं। आप अपनी मर्जी से डिजाइनर या नॉर्मल जैसे चाहें वैसे डाल सकती हैं, लेकिन यहाँ से ये जो किनारी होती है फंदे डालने वाली, ये टाइट नहीं होनी चाहिए। हल्के से लूज हाथ से आप फंदे डाल लीजिएगा। फंदे डालने के बाद 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे का आप ये बॉर्डर बनाना शुरू कर दीजिएगा। ये देखिएगा, ये बॉर्डर हमारा दोनों साइड से एक जैसा ही होता है। अब आ जाइए इसकी लेंथ। ये जो बॉर्डर की लेंथ है फ्रेंड्स, ये आपने 3 इंच तक बना लेनी है। साइज चाहे आप मीडियम, लार्ज, एक्सल, डबल एक्सल कोई भी बना रही हो, इस बॉर्डर की लेंथ 3 इंच होनी चाहिए। 3 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 1 पॉइंट 2 पॉइंट कम है तो कोई बात नहीं, चल जाएगा। 3 इंच बॉर्डर बनाने के बाद इसमें देखिएगा, मैंने 10 फंदे इसके बैक पार्ट में बढ़ाए हुए हैं। तो 96 बॉर्डर में तो 10 ऊपर बढ़ा दिए तो 106 हो गए, लेकिन इसके फ्रंट पार्ट में मैंने बॉर्डर के बाद 11 फंदे बढ़ाए हुए हैं, जिससे इसमें 107 फंदे हो गए हैं। तो ये जो डिजाइन मैंने इसमें बनाया हुआ है, देखिए बैक पार्ट में मैंने पूरे में सिर्फ ये वाला डिजाइन बनाया है, लेकिन फ्रंट पार्ट में देखिएगा फ्रेंड्स, इस डिजाइन के साथ मैंने ये केबल डिजाइन एडजस्ट किया हुआ है। तो इसके लिए मुझे 3 के मल्टीपल फंदे लेकर के 2 फंदे एक्स्ट्रा चाहिए होते हैं, तब जाकर हमारा ये डिजाइन इस तरह से एडजस्ट हो जाता है। तो आप किसी भी साइज के लिए बना रही हूँ, आप अपने फंदे का हिसाब लगा लीजिएगा। इस डिजाइन के लिए बैक पार्ट में 3 के मल्टीपल फंदे लेकर 1 फंदा एक्स्ट्रा होना चाहिए और फ्रंट पार्ट के लिए 3 के मल्टीपल लेकर 2 फंदे एक्स्ट्रा होने चाहिए, तो ये आपका इस तरह से सेट हो जाएगा। अब आ जाइएगा फ्रेंड्स, ये जो केबल हमने इसमें बनाई हुई है, इस केबल को आप स्वेटर के इस साइड भी बना सकती हैं और इस साइड भी बना सकती हैं। ये भी आपकी अपनी ही मर्जी होगी, जहां आपको ज़्यादा इजी लगे वहां पर आप इसे बना सकती हैं। तो इसको हम बीच में नहीं बनाएंगे फ्रेंड्स, एक साइड में बनाएंगे इसको रेडीमेड लुक देने के लिए। तो इसको साइड में बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, अगर आप इस साइड बनाना चाहती हैं तो इस डिजाइन के लिए आप पहले 25 से 28 फंदे तक इस डिजाइन को एडजस्ट कीजिएगा, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। उसके बाद हमारा ये केबल डिजाइन जो है बनना शुरू हो जाएगा, वो मैं आपको बना करके दिखाऊंगी। और अगर आपको इस साइड पर ये बनाना हो तो आपने क्या करना होगा, 25 से 28 फंदे, ये देखिए इस केबल से जो इधर के फंदे वो आपने रख लेने हैं, और ये जो इतने फंदे हमारे हैं, 9 फंदे की ये केबल है, 2 फंदे हमने सीधे सीधे बनाए हुए हैं और 1-1 फंदे का इस केबल के और 2 फंदे के बीच में गैप दिया है, तो 15 फंदे ये
यहाँ तक के फंदे गिन के आप कोई भी मार्क लगा लीजिएगा। फिर यहाँ से अपने डिजाइन को बनाना शुरू कीजिएगा और यहाँ तक बनाते हुए आगे ये केबल पैटर्न सेट हो जाएगा और फिर जो फंदे बचेंगे उसमें भी हमारा ये डिजाइन सेट हो जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको ये डिजाइन और इस डिजाइन के साथ इस केबल को एडजस्ट करना बता देती हूँ कि ये कैसे बनेगा। फ्रेंड्स, मैंने इसके लिए लिए हुए हैं, देखिए यहाँ पर ये 38 फंदे, क्योंकि अगर ज़्यादा फंदे लेंगे तो फ्रेंड्स बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर 38 फंदे लिए हुए हैं। 12 तीय 36 और उसमें दो फंदे एक्स्ट्रा। इन्हीं फंदे में आपको मैं ये डिजाइन और ये केबल सेट करना बताऊंगी। कम ज़्यादा फंदे होने पर आपको मैंने बता दिया है कि इतने फंदे इसके रखने हैं और इतने इसके रखने हैं, वो आप इसमें डिवाइड कर लीजिएगा। मैंने इसमें 25 फंदे इधर छोड़े हुए हैं, 15 फंदे मेरे यहाँ पर हैं और बाकी के फंदे में इधर डिजाइन बनाया हुआ है। तो डिजाइन की यहाँ पर मैं पहली सिलाई आपको बताने जा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। इस डिजाइन के लिए आप उल्टी साइड से इसमें फंदे बढ़ा लीजिएगा और सीधी साइड से हमारा ये डिजाइन शुरू होता है। ये जो हमारा छोटा वाला डिजाइन है फ्रेंड्स, ये दो ही सिलाइयों का है। देखिएगा पहली सिलाई डिजाइन की कैसे बनेगी और कैसे हम इसमें डिजाइन बनाएंगे। पहला फंदा आप इसमें उल्टा बना लीजिएगा, फिर आप देखिएगा इस धागे को पीछे की तरफ ऐसे ले जाइएगा और मोड़ के इसे अपनी तरफ ऐसे ले आइएगा। अब ये जो धागा हमारा लूज वाला है इसे छोड़ दीजिएगा और जो ये खींच रहा है ऐसे टाइट है जो, इसको पकड़िए और इस फंदे को उल्टा बना दीजिएगा। इस लूज वाले धागे को पीछे की तरफ खींच दीजिए, धागा आपका पीछे रहे। इस वाले फंदे को इस तरह से लीजिए और देखिए सिलाई के ऊपर से और इस सिलाई के नीचे से ऐसे धागे को ले आइए और इसको ऐसे करके उल्टा बना दीजिएगा। अब एक फंदा उल्टा, तो देखिएगा अब फिर से अपने धागा पीछे करना है और इस धागे को मोड़ के आप इस तरह से अपनी तरफ ले आइए। ये जो टाइट वाला धागा है इसको पकड़ लीजिए और इसको छोड़ दीजिए, इस फंदे को आप इससे उल्टा बना दीजिए। अब ये जो देखिए जो हमारा ये खींचने वाला धागा है इसे पीछे की तरफ खींच दीजिए, इस वाले फंदे के देखिए इस सिलाई के यहाँ से और इसके नीचे से ऐसे धागा लेकर आएंगे और इसे हम उल्टा बना देंगे। अब एक फंदा उल्टा, फिर से धागा पीछे करेंगे और ये देखिएगा इसको ऐसे मोड़ लेंगे और ऐसे मोड़ने के बाद इस वाले धागे को पकड़ेंगे, फिर से एक फंदे को उल्टा बनाएंगे, इस खींचने वाले धागे को पीछे की तरफ खींच देंगे और इस सिलाई के ऊपर से इस तरह से हम ले आएंगे। देखिए इसको हमने ऐसे लेना है और इस सिलाई के नीचे लेकर आना है और इस फंदे को भी उल्टा बना देंगे। फिर एक फंदा उल्टा, आपने यहाँ तक ये जितने फंदे बनाने हैं इनको ऐसे ही बनाते हुए जाना है। जब आप केबल डिजाइन सेट करेंगे वहाँ तक आप एक मार्क लगा लीजिएगा। फिर से देखिएगा इस तरह से कीजिएगा, इस टाइट वाले फंदे से इसको ऐसे बनाएंगे और इसको हम पीछे खींच देंगे। फिर देखिए धागा पीछे रहे, इस सिलाई के ऊपर से इस तरह से धागा लेकर आएंगे और इसको उल्टा बुन देंगे। अब एक फंदा उल्टा, फिर से देखिए इसको मोड़कर आपने आगे कर लेना है। ये जो धागा हमारा खींच नहीं रहा है, टाइट है, इससे इस फंदे को उल्टा बना देंगे। अब ये जो देखिए खींचने वाला धागा है इसे पीछे करेंगे, अब इस सिलाई के ऊपर से और इस सिलाई के नीचे लेकर आएंगे और ऐसे करके इसको उल्टा बुन देंगे। अब एक फंदा उल्टा, यहाँ आपने जितने भी फंदे बनाने हों इसी तरह से आप बनाते जाइएगा। जब आपको केबल एडजस्ट करनी हो, देखिएगा यहाँ तक ये हमारा डिजाइन बना हुआ है, जब ये एक फंदा आपका यहाँ पर उल्टा आ जाए, यहाँ से अब हम इसमें केबल बनाना शुरू करेंगे, तो धागा आप पीछे कीजिएगा और दो फंदे आप ये सीधे बना दीजिएगा। ये देखिए ये दो फंदे मैंने इसके ये वाले सीधे बनाए हैं, यहाँ तक हमारा ये डिजाइन बन गया है, देख लीजिएगा, और ये दो सीधे। फिर आप एक फंदा उल्टा बनाइएगा, फिर धागा पीछे करके नौ फंदे आप इसमें सीधे बनाइए। देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और ये नौ, नौ फंदे हमने ये जो केबल वाले हैं इनको हमने सीधा बना लिया। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और देखिए जैसे हमने इस नौ फंदे से पहले यहाँ एक फंदा उल्टा बनाया हुआ है तो यहाँ पर भी हम एक फंदा उल्टा बना देंगे। फिर धागा पीछे करेंगे और दो फंदे सीधे बनाएंगे। अब देखिए दो फंदे सीधे बनाने के बाद जैसे हमने यहाँ से इस डिजाइन को शुरू किया था वैसे ही अब यहाँ से करेंगे, धागा अपनी तरफ करके
जैसे यहाँ पहले एक फंदा उल्टा बनाया तो यहाँ पर भी पहले एक फंदा उल्टा बनाएंगे। फिर इसको पीछे की तरफ देखिए, इसको पहले ऐसे कर लेंगे और ऐसे मोड़ लेंगे इस धागे को, और मोड़ के ऐसे ले आएंगे अपनी तरफ। ये जो हमारा धागा टाइट वाला है, इससे इस फंदे को उल्टा बना देंगे। अब इसको हम ऐसे देखिए पीछे की तरफ खींच देंगे, धागा पीछे रहे, इस फंदे में ऐसे सिलाई डालेंगे, इस सिलाई के ऊपर से और इस सिलाई के नीचे ऐसे धागा लेकर आएंगे और इसको उल्टा बुन देंगे। अब एक फंदा उल्टा, फिर से हमने इसको ऐसे ही करना है, इसको ऐसे मोड़ के अपनी तरफ कर लेंगे। ये जो हमारा टाइट वाला धागा होगा, इससे एक फंदा उल्टा बना देंगे, इस धागे को पीछे खींच देंगे। अब देखिए इसमें ऐसे सिलाई डालेंगे, इस सिलाई के ऊपर से और इस सिलाई के नीचे लाना, ऐसे ऐसे इस तरह से करके लास्ट का फंदा हम उल्टा बनाएंगे। तो इस तरह से पहली सिलाई में आपने इस डिजाइन को एडजस्ट करना है। तो देखिए आगे आपके जितने फंदे बचेंगे, मैंने यहाँ कम फंदे लिए हुए इसलिए यहाँ कम बचे हैं, तो आपके यहाँ इसके बाद कम से कम 25 से 28 फंदे होने चाहिए। उल्टी सिलाई डिजाइन में पूरी उल्टी बनेगी, तो धागा अपनी तरफ करके पूरी सिलाई को आप उल्टा उल्टा बना दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा छोटे वाला डिजाइन है, इसके लिए हमें यही दो दो सिलाइयाँ रिपीट करनी होंगी। लेकिन केबल को बनाना हम तब शुरू करेंगे, तब अभी हमने इसमें सीधी साइड की और उल्टी साइड की ऐसे ही सिलाइयाँ बनानी है, जैसे फंदे बनाए हुए हैं वैसे ही इस बार बनाएंगे। ऐसे बना के बाद इस केबल को शुरू करेंगे तो इससे इसकी लुक सुंदर आएगी। तो देखिए एक बार आपको ये डिजाइन फिर से बनाकर दिखा देती हूँ। ये एक फंदा आप स्टार्टिंग का उल्टा बना लीजिएगा, फिर इस धागे को देखिए इस तरह से मोड़ के अपनी तरफ ले आइए। ये जो टाइट वाला धागा है, इससे इस फंदे को उल्टा बना दीजिए, इस धागे को पीछे खींच दीजिए, इस सिलाई के ऊपर से और इस सिलाई के आगे से इस तरह से इस फंदे को बना दीजिए। अब एक फंदा उल्टा, फिर से धागे को इस तरह से पीछे से अपनी तरफ ऐसे मोड़ के डबल ले आना है। ये टाइट वाला जो धागा है, इससे इस फंदे को उल्टा बना दीजिए, धागे को पीछे वापस खींच दीजिएगा, इस सिलाई के ऊपर से और इस सिलाई के नीचे ऐसे लाकर इसे उल्टा बना दीजिए। फिर एक फंदा उल्टा, अब फिर से मोड़ कर अपनी तरफ कर लीजिएगा, इस टाइट वाले से एक फंदा आप उल्टा बना दीजिएगा, इसको आप पीछे खींच दीजिएगा, इस सिलाई के ऊपर से और इस सिलाई के आगे से इस तरह से इसको बना दीजिए। अब एक फंदा उल्टा, फिर से वही रिपीट करना है। ये देखिएगा, इसको मोड़ कर आगे ले आइएगा और इस फंदे को आप उल्टा बना दीजिए, खींचने वाले धागे को पीछे की तरफ खींच दीजिए, सिलाई के ऊपर से और इसके नीचे से इसको ऐसे उल्टा बनाइए। फिर एक फंदा उल्टा, फिर से वही करना है, मोड़कर इसको आगे ले आइए, इस फंदे को उल्टा बना के धागे को पीछे खींच दीजिए, सिलाई के ऊपर से और सिलाई के आगे से इसको ऐसे बना दीजिए। अब एक फंदा उल्टा, अब यहाँ से देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने ये केबल के फंदे बनाना शुरू किया हुआ है, तो धागा पीछे कीजिए और दो फंदे ये जो सीधे हैं इन्हें आप सीधा बनाइए, फिर धागा अपनी तरफ करके ये जो एक फंदा हमने उल्टा बनाया इसे उल्टा बना दीजिए, फिर ये जो नौ फंदे केबल के हैं एक बार फिर से आप इन्हें सीधा बनाइए। देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और ये नौ, ये देख लीजिएगा, इस तरह से नौ फंदे ऐसे ही मैंने इसमें बनाए हुए हैं। तो ये सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ कीजिए, ये जो एक फंदा उल्टा है इसे उल्टा बना दीजिए, फिर धागा पीछे करके ये दो फंदे आप सीधे बना दीजिएगा। उसके बाद जैसे यहाँ पर डिजाइन बनाया हुआ है, आगे इस डिजाइन को बनाते जाइए और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बना दीजिए। इस तरह से देखिएगा फ्रेंड, जब आपकी ये चार सिलाइयाँ बन जाए, अब हमने यहाँ से इस केबल को बनाना शुरू करना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं इस डिजाइन को बना लेती हूँ, क्योंकि ये डिजाइन के लिए तो हमें यही दो दो सिलाइयाँ रिपीट करनी है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक वही दो ये सिलाई मैंने रिपीट कर ली है। अब यहाँ से हमारे ये केबल के फंदे शुरू होते हैं, तो धागा पीछे करके ये जो सीधे फंदे हैं इन दो फंदे को आप इस तरह से सीधा बना लीजिए, फिर धागा अपनी तरफ करके ये गैप का फंदा उल्टा है तो इसे उल्टा बना लीजिए, फिर आप धागा पीछे कर लीजिए, ये जो नौ फंदे हैं अब इसमें हमें ये चुटिया वाली केबल बनानी है। तो इसके लिए ये तीन फंदे छोड़कर पीछे की साइड से आप इस तीन फंदे में इस तरह से सिलाई डाल लीजिएगा, ये तीन फंदे उतार के इस तरह से आप इन्हें पहले इस सिलाई में डाल लीजिएगा, इनको पीछे से लाकर अब आप आगे डाल दीजिएगा। ये देखिएगा इस तरह से, अब ये नौ के नौ फंदे आप सीधे बनाइए,
सिर्फ हमने इसमें फंदे ट्विस्ट किए हैं, फंदे वही नौ के नौ हैं। देखिए एक दो तीन चार पाँच और ये छः, और ये तीन फंदे आगे वाले सात आठ और ये नौ। फिर से धागा अपनी तरफ करके ये जो एक फंदा उल्टा इसे उल्टा बनाइए, और धागा पीछे करके ये जो दो फंदे सीधे हैं इन्हें आप सीधा बना लीजिए। फिर आगे आपने वही डिजाइन बनाना है। देखिए एक बार फिर से बनाकर दिखा देती हूँ। ये फंदा हमने उल्टा बना लिया। इस फंदे को धागे को हम ऐसे लेंगे, मोड़ के अपनी तरफ ले आएंगे, एक फंदे को इस तरह से उल्टा बनाएंगे और धागे को पीछे की तरफ खींच देंगे। इस सिलाई के ऊपर से और इस सिलाई के नीचे ऐसे धागा लेकर आएंगे और इसे उल्टा बुन देंगे। अब एक फंदा उल्टा, फिर से इसे मोड़कर अपनी तरफ ले आएंगे, एक फंदा इसको उल्टा बनाएंगे, धागे को पीछे खींच देंगे। अब इस सिलाई के ऊपर से और सिलाई के नीचे से धागे को ऐसे लाकर फंदा उल्टा, और लास्ट का फंदा फिर उल्टा बन जाएगा। अब उल्टी सिलाई आप पूरी उल्टी बना लीजिए, और नेक्स्ट सिलाई पर फिर मैं यहाँ से इसमें बनाकर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे अब यहाँ से यहाँ तक इन फंदे को हम बनाते हुए आएंगे ऐसे। अब आगे फिर से हमने इस केबल को देखना है कि कैसे बनाना है। धागा पीछे करेंगे, पहले तो ये जो दो फंदे सीधे हैं इन्हें सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ करके इस गैप वाले फंदे को उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे करके, देखिए पहले हमने इस आगे वाले छः फंदे पर ये केबल बनाई थी, तो अब हमने क्या करना है, ये वाले तीन ये और तीन ये, इन छः फंदे को ट्विस्ट करना है, यहाँ पर इस केबल को ट्विस्ट करना है। तो ये तीन फंदे आप पहले सीधे बनाइए, देखिए एक दो और ये तीन। अब देखना है आपको, ध्यान से देखिएगा, जब आपने पहले किए थे तो इधर वाले फंदे नीचे से आए हुए हैं, अब इधर वाले ऊपर आ जाएंगे, तो आगे की साइड से इन तीन फंदे में ऐसे सिलाई डाल देना, और इन तीन को उतार के पीछे से आप पहले इस सिलाई में ले लेना, और ये देखिए ये ऊपर हैं तो इनको लाकर यहाँ डाल देना। अब तीन फंदे ये हमने देखिए पहले सीधे बना लिए थे, और छह फंदे जो हमने ट्विस्ट किए हैं अब इन्हें भी सीधा बनाएंगे, एक ये देखिए दो तीन चार पाँच और ये छः। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, ये डिजाइन हमारा बनना शुरू हो गया है। अब धागा अपनी तरफ करके आगे अपने डिजाइन के हिसाब से इसको बनाते जाएंगे। तो यहाँ तक तो देखिए इस तरह से, यहाँ भी दो फंदे सीधे हैं, ये आपने ऐसे ही बनाने हैं हर बार, और आगे अपने डिजाइन को बनाते जाइए। ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी सिलाई मैंने इसकी पूरी उल्टी बना ली है। अब आ जाइएगा इसकी सीधी साइड, साइड पर देखिएगा इस डिजाइन को, आप अपने हिसाब से डिजाइन जैसा वैसे बनाते जाइएगा। ये जो दो फंदे सीधे हैं इन्हें आप सीधा बनाइए, ये जो एक फंदा उल्टा है इन्हें उल्टा बनाइए, और ये जो नौ फंदे केबल के हैं इस बार आप इन्हें ऐसे ही नॉर्मल सीधा बना दीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक बनाने के बाद मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये जो दो फंदे सीधे हैं इन्हें आप सीधा बनाइए, धागा अपनी तरफ करके ये जो एक उल्टा इसे आप उल्टा बनाइए, धागा पीछे करके एक बार केबल पूरी होने के बाद आप इन्हें सीधा बनाइए। देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ और ये नौ। फिर धागा अपनी तरफ करके इस उल्टे वाले फंदे को उल्टा बनाइए, और जो सीधे हैं इन्हें आप सीधा बनाइए। आगे डिजाइन के हिसाब से जो जैसे फंदे हैं उन्हें वैसे ही बनाते जाइए, उल्टी सिलाई आप पूरी उल्टी बनाइए। नेक्स्ट बार फिर से हम इस केबल को बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको एक बार फिर से इस केबल को मैं ट्विस्ट करना बता देती हूँ। ये जो दो फंदे हैं ये आप सीधे बनाइए, धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे करके जैसे हमने फर्स्ट बार ये फंदे ट्विस्ट किए थे ठीक वैसे ही अब सेकंड बार करने हैं। ये तीन फंदे छोड़ के ये अगले वाले जो तीन हैं पीछे की साइड से इसमें इस तरह से सिलाई लेंगे, आगे से इन तीन फंदे को ऐसे उतारेंगे और इस सिलाई में ऐसे ले लेंगे, इनको पीछे से ला के अब इनके आगे डाल देंगे, और नौ फंदे सीधे बना देंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ और ये नौ। अब डिजाइन के हिसाब से जो जैसे फंदे हैं उसी तरह बनाते जाएंगे, और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक के फंदे मैंने बना लिए हैं, जो डिजाइन के हैं वो डिजाइन के हिसाब से बनाए, जो सीधे हैं वो सीधे, और ये जो उल्टा है उसे उल्टा। अब धागा पीछे करके देखिए, पहले हमने ये वाले छः फंदे ट्विस्ट किए, अब ये वाले तीन और ये तीन करने हैं,
तो पहले आप तीन फंदे सीधे बनाइए, एक दो और ये तीन। अब देखिए ये आगे वाले जो तीन फंदे हैं इनमें इस तरह से सिलाई डाल लीजिए और इन तीनों को उतार के पीछे की साइड से पहले नीचे हाथ की जो सिलाई है इसमें डाल दीजिए और इनको आगे से ऐसे लेते हुए अब यहाँ आगे डाल दीजिए और इन छह फंदे को भी आप सीधा बना दीजिएगा ऐसे करके। इनको आप ध्यान से बनाइएगा फ्रेंड्स, ये आपस में चिपक जाते हैं, दो फंदे का एक नहीं होना चाहिए, नहीं तो यह हमारे फंदे घट जाएंगे। ये देखिएगा ये हमारी चोटी वाली केबल बननी शुरू हो गई है। अब ये जो फंदा उल्टा है इसे उल्टा बनाइए, जो सीधा है उसे आप सीधा बनाइए। धागा अपनी तरफ करके ये देखिए यहाँ से हम डिजाइन को शुरू कर रहे हैं। पहले फंदे को उल्टा बनाया, धागे को मोड़ के अपनी तरफ ले आएंगे और इस फंदे को इस तरह से उल्टा बना के धागे को पीछे खींच देंगे इसके ऊपर से ऐसे। फिर से वही रिपीट करते जाएंगे, जितने भी फंदे होंगे आप आगे इन्हें ऐसे ही बनाते जाइएगा। तो फ्रेंड्स इसमें जो है इस डिजाइन के लिए देखिए, इसके लिए तो ये दो दो सिलाइयों का डिजाइन है तो दो दो सिलाइयाँ रिपीट हो रही तो डिजाइन बनता जा रहा है। इस केबल के लिए जैसे मैंने आपको ये सिलाइयाँ रिपीट करके दिखाई हैं ऐसे ही इसको बार बार रिपीट करना है। अब एक बार जब आप सीधी साइड पर आएंगी तो ये नौ फंदे आप ऐसे ही नॉर्मल सीधे बना दिए, नेक्स्ट बार जब आप आएंगी तो इस केबल को ऐसे ट्विस्ट करना शुरू करेंगे। जब आप इसे आगे आगे ऐसे बनाते जाएंगे तो देखिए ये चोटी इस तरह से बनती चली जाएगी। तो ये तो हो गया फ्रेंड्स इसका डिजाइन। अब आ जाइएगा इसकी लेंथ। लेंथ जो होती है फ्रेंड्स वो हाइट के अनुसार होती है, उसका नाप आपको खुद लेना होगा कि आप किसके लिए बना रही हैं उनकी हाइट कितनी है। मैं जिसके लिए बना रही हूँ उनकी हाइट साढ़े पाँच फुट के आसपास है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने इसको मैं आपको नाप कर दिखा देती हूँ। ये देखिएगा 16 इंच मैंने इसको तैयार किया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर जहाँ से मैंने इसकी आर्म होल की कटिंग करनी है वहाँ तक इसकी लेंथ मैंने 16 इंच बनाई है। तो फ्रेंड्स ये देखिए जहाँ तक इसकी आपने नीचे तक लेंथ रखनी हो जिसके लिए भी बनाना हो वहाँ से आप नाप ले लीजिएगा और आर्म होल के नीचे तक का आपने नाप रखना है। तो जितनी उनकी हाइट बनती हो उस हिसाब तक आप इसे हाइट बना लीजिए। तो मैंने ये 16 इंच बनाया हुआ है। बैक पार्ट पे देखिएगा 16 इंच बनाने के बाद मैंने इसकी कटिंग की हुई है। इस स्वेटर में बैक पार्ट फ्रंट पार्ट और दोनों इसकी बाजू की सेम घटाई होती है क्योंकि इसमें हमें ये जो रेगलेंस कटिंग होती है ये करनी होती है। तो फ्रेंड्स मैं इसकी फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के बाद बाजू में जो कटिंग करूँगी उसमें मैं आपको ये कटिंग बताती हूँ क्योंकि सेम ही कटिंग इसमें करनी है, एक जैसी इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। तो बैक पार्ट में भी इसकी हमने गले की घटाई करनी है और फ्रंट पार्ट में भी करनी है। तो दोनों पार्ट की मैं जहाँ तक बैक पार्ट बना करके घटाई करनी है वो तैयार कर लेती हूँ और फ्रंट पार्ट में भी जितनी इसकी ये लेंथ बनाकर गले की घटाई करनी है वो कर लेती हूँ, फिर बाजू और गले की घटाई ये मैं आपको एक साथ बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स इसके सभी पार्ट तैयार हो चुके हैं, बैक फ्रंट एक बाजू और ये इसकी दूसरी बाजू। बैक फ्रंट और एक बाजू की घटाई मैं इसकी कंप्लीट कर चुकी हूँ, दूसरी बाजू में मैं आपको इसकी घटाई बताऊंगी कि ये कैसे की गई है क्योंकि इसके सभी पार्ट की घटाई एक समान होती है। उससे पहले आपको बाजू में फंदे लेना बता देती हूँ। ये देखिए ये एल साइज का स्वेटर बना रही हूँ थ्री प्लाई वाली ऊन से, तो मैंने यहाँ पर 44 फंदे लिए हुए हैं। आप भी अगर थ्री प्लाई वाली ऊन से बनाती हैं तो मीडियम और लार्ज के लिए 44, एक्सेल के लिए 46 और डबल एक्सेल के लिए 48 फंदे डाल लीजिए। इस वाली ऊन से बनाती हैं तो मीडियम और लार्ज के लिए 46, एक्सेल के लिए 48 और डबल एक्सेल के लिए 50 फंदे डाल लीजिए। फंदे डालने के बाद आप इसमें जितना बॉर्डर बैक और फ्रंट पार्ट पर बनाया है उससे आधा इंच कम बना लीजिए। तो मैंने उसमें 3 इंच बनाया है और यहाँ पर 2.5 इंच बॉर्डर बनाया हुआ है। बॉर्डर के बाद फ्रेंड्स इसमें मैंने उल्टी साइड से 3 फंदे बढ़ाए हुए क्योंकि बॉर्डर पर 44 थे। इस डिजाइन को एडजस्ट करने के लिए 3 के मल्टीपल फंदे लेकर 2 फंदे एक्स्ट्रा लेने से ये केबल डिजाइन के साथ एडजस्ट होती है, तो इसीलिए मैंने उल्टी साइड से एक फंदा यहाँ पर, एक बीच में और एक यहाँ पर बढ़ा लिया था। उसके बाद हर चौथी या पाँचवीं सिलाई पर दोनों साइड से एक एक फंदा बढ़ाया हुआ है। लास्ट में यहाँ पर मैंने 95 फंदे किए हुए हैं। मीडियम लार्ज और एक्सल साइज के लिए आप प्लाई वाली ऊन हो या वर्धमान की हो 95 से 97 तक फंदे कर लीजिएगा। अगर एक्सल साइज के बाद डबल एक्सल आता है वो हो तो 100 फंदे तक आप कर सकती हैं, इसी से इसकी चौड़ाई काफ़ी हो जाएगी। अगर उससे भी आपका एक दो फंदा कम ज़्यादा होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
उसके बाद आपको इसकी लेंथ देखनी है फ्रेंड्स, क्योंकि लेंथ सबकी बाजू की अलग अलग होती है। आप बाजू का नाप कैसे लेंगे यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए हाथ के यहाँ से इंची टेप लगा लीजिए और आर्म होल के नीचे तक का आप नाप ले लीजिए। जितना आपका नाप बने, जो आप बाजू बना रही हूँ उसे यहाँ से इंची टेप लेना और इस तरह से नाप लेना। आपको ऐसे नहीं नापना है, क्योंकि हमने नाप यहाँ से लिया है तो इसी हिस्से का हम नाप रखेंगे। अगर इस हिस्से का नाप लेते हैं तो ये छोटी या बड़ी हो जाएगी। तो इस तरह से आप नाप लेकर बाजू को बना लीजिए। मैंने इस बाजू की जो लेंथ बनाई हुई है फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक ये 19.5 से एक दो पॉइंट ऊपर ही होती है, कम नहीं है, और यहाँ से यहाँ तक ये 19 इंच के आसपास होती है। अब आ जाइए इसकी घटाई कैसे करनी है। ये जो हमने इसमें घटाई की हुई है फ्रेंड्स, ये सीधी साइड से होती है। तो ध्यान दीजिएगा कि कैसे करना है। पहला फंदा इसका उतारिए या बनाइए, आपकी मर्जी है। तो पहला फंदा उल्टा बनाने के बाद धागा पीछे कीजिए, इस फंदे को लेंगे और पलट के सीधा कर देंगे, पीछे की साइड से सिलाई डाल के 2 का 1 कर देंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, इस फंदे को लेंगे और पलट के सीधा कर देंगे, पीछे की साइड से सिलाई डाल के 2 फंदे का 1। यहाँ पर हमने 2 फंदे घटाए हैं। अब आगे हम अपने डिजाइन के हिसाब से इसको बनाएंगे, जैसे मैंने आपको ये बनाना सिखाया हुआ है। ये फंदा हमारा उल्टा था तो उल्टा बना लिया है। अब धागे को फोल्ड करेंगे और इस फंदे को ऐसे बना देंगे, क्योंकि ये हमारे यहाँ पैर वाले फंदे, ये पहचान ऑटोमेटिक हो जाती है। उसके बाद देखिए यहाँ लास्ट में 6 फंदे रहने तक इस सिलाई को पूरा करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, पूरी सिलाई को मैंने बना लिया है, लास्ट में हमारे 6 फंदे बचे हुए हैं। अब देखिए कैसे करना है। इस फंदे को हमने पलटना नहीं है, क्योंकि यहाँ से हम पलट के बनाएंगे, लेकिन जब आप यहाँ से बनाएंगे तो आगे की साइड से सिलाई डाल के आप 2 फंदे का 1 कर दीजिए, ये आपने ध्यान रखना है। फिर धागा अपनी तरफ कीजिए और एक फंदा उल्टा बनाइए, फिर धागा अपनी तरफ कीजिए 1 और ये 2, आगे की साइड से सिलाई डाल के 2 फंदे का 1 कर दीजिए, धागा अपनी तरफ करके लास्ट का फंदा उल्टा। सीधी साइड से इसकी एक बार की घटाई हो चुकी है। अब आ जाइए इसकी उल्टी साइड पर। उल्टी साइड पर ध्यान दीजिए, पहले फंदे को उतारिए या बनाइए, फिर एक फंदा ये और एक ये, इन दोनों का 1 कर दीजिए। अब देखिए एक ये और एक ये, इन 2 का 1 कर दीजिए। अब लास्ट में 5 फंदे रहने तक आप इस उल्टी साइड की सिलाई को बना लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में हमारे 5 फंदे बचे हुए हैं। अब यहाँ कैसे करना, देखिए 1 और ये 2, इन दोनों फंदे को आप इस तरह से लूज कीजिए और फिर ऐसे करके आगे की साइड से इन दोनों फंदे में ऐसे सिलाई डाल लीजिए और 2 का 1 कर दीजिए। अब देखिए ये वाला और ये वाला, इनको भी हम ऐसे ही पहले लूज करेंगे, फिर ऐसे करके आगे की साइड से इन 2 फंदे में सिलाई डाल के 2 का 1 कर देंगे और लास्ट का फंदा उल्टा। 2 बार घटाई कंप्लीट हो चुकी है। अब आ जाइए इसकी सीधी साइड पर। पहले फंदे को उतारिए या बनाइए, आपकी मर्जी है। धागा पीछे कीजिए, इस फंदे को लेंगे, पलट के इसको सीधा कर देंगे और पीछे की साइड से सिलाई डाल के 2 फंदे का 1 फंदा कर देंगे। यहाँ पर अब हमने एक ही फंदे की घटाई करनी है, यहाँ से इसकी शेप आनी शुरू हो जाएगी। अब यहाँ से लेकर यहाँ लास्ट में 3 फंदे रहने तक हमने सारे फंदे डिजाइन के हिसाब से बना लेने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक सिलाई पूरी करने के बाद लास्ट में हमारे 3 फंदे बचे हैं। धागा हमारा पीछे ही जाएगा और आगे की साइड से सिलाई डाल के 2 फंदे का 1 फंदा बुन देंगे। इस तरह से हमारी ये 3 सिलाइयों में 3 बार घटाई हो चुकी है। अब आ जाइए इसकी उल्टी सिलाई पर। यहाँ से हम इसकी 4थी बार घटाई करेंगे। पहला फंदा इसका उल्टा, अब ये वाला और ये वाला, इन 2 फंदे को लेंगे और 2 का 1 कर देंगे और लास्ट में 3 फंदे रहने तक पूरी सिलाई को बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में हमारे 3 फंदे हैं, 1 और ये 2, इन 2 फंदे को इस तरह से लूज कर लेंगे, फिर ऐसे करके आगे की साइड से सिलाई डाल के यहाँ 2 फंदे का 1 फंदा कर देंगे, फिर लास्ट के फंदे को उल्टा। 4 बार की इसमें घटाई कंप्लीट हो चुकी है। अब आ जाइए सीधी साइड पर, 5वीं बार इसकी घटाई करनी है। पहला फंदा इसका उल्टा, फिर धागा पीछे करेंगे,
और इस फंदे को लेंगे और इसे पलट के सीधा कर देंगे, पीछे की साइड से सिलाई डाल के दो फंदे का एक फंदा कर देंगे। तो यहाँ से ये पांचवी बार की घटाई हो चुकी है। आगे हम डिजाइन के हिसाब से देखेंगे। यहाँ पर देखिए जो हमारे पेयर होते हैं उसमें से ये दूसरा फंदा है, तो इसको हम ऐसे बुन सकते हैं, देखिए ऐसे लाकर, इससे ये डिजाइन एडजस्ट होता चला जाएगा। अगला फंदा हमारा उल्टा है तो उसे उल्टा, और डिजाइन के हिसाब से सिलाई को पूरा करेंगे लास्ट में तीन फंदे रहने तक। ये देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में हमारे तीन फंदे बचे हुए हैं। तो आगे की साइड से सिलाई डाल के इन दो फंदे का एक फंदा सीधा बुन देंगे, धागा अपनी तरफ करके लास्ट के फंदे को उल्टा बुन देंगे। इस तरह से पांच बार हमने इसमें लगातार घटाई कर ली है। जब आप बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट में घटाई करेंगे तो आपने पांच सिलाइयों तक इसमें लगातार घटाई करते जाना है। छठी सिलाई जो इसकी उल्टी साइड से आएगी उस पे आपने घटाई नहीं करनी है। उसके बाद सिर्फ सीधी सीधी साइड से एक फंदे की घटाई इधर से और एक फंदे की घटाई इधर से करते जाना है। बैक पार्ट को आप फ्रेंड्स जो है 7 इंच तक बना लीजिए। 7 इंच से अगर एक दो पॉइंट ज़्यादा हो तो कोई बात नहीं, चल जाएगा। और फ्रंट पार्ट में जब आप घटाई करेंगे तो आप इसे 5.5 इंच तक बना लीजिए। उसके बाद हमें इसमें ये गले की घटाई करनी है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी कि कैसे की गई है। अब जब बाजू में घटाई करनी है तो फ्रेंड्स हमने इसकी 11 सिलाइयों तक लगातार ऐसे ही घटाई करते जाना है, सीधी साइड से भी और उल्टी साइड से भी। तो बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट के लिए आपको फिर से बता रही हूँ, इसी तरह से 5 बार घटाई करने के बाद छठी उल्टी सिलाई पर घटाई नहीं करनी है, उसके बाद सिर्फ सीधी सीधी सिलाई पर घटाई दोनों साइड से ऐसे ही करते जाना है। लेकिन जब आप बाजू की घटाई करेंगे तो आपको इसमें 11 बार लगातार घटाई करते जाना है। तो 5 बार हो चुकी है, ये हमारी बाजू है तो इसकी अब ये छठी सिलाई पर भी हम घटाई करेंगे। तो एक फंदा इसका उल्टा बनाएंगे और यहाँ दो का इस तरह से एक कर देंगे, लास्ट में तीन फंदे रहने तक सिलाई को पूरा करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, पूरी सिलाई को मैंने बना लिया है। लास्ट में जब आपके तीन फंदे रहेंगे तो उल्टी सिलाई पर आपको इसी तरह से फंदे घटाने हैं। दो फंदे को ऐसे लूज कीजिए, ऐसे करके आगे की साइड से सिलाई डाल के दो का एक कर दीजिए। देखिए अगर ये प्लाई वाली ऊन है, क्योंकि कई बार ये अड़ जाती है, तो इसको इस तरह से कर लीजिए। फिर आगे की साइड से इसमें ऐसे सिलाई डाल लीजिए और फिर दो का एक बना दीजिए इस तरह से। इस तरह से बनाने से फ्रेंड्स ये फली जो है हमारी बिल्कुल सीधी बनती है। अब आज ये सीधी साइड से ऐसे ही कीजिए, एक फंदा उल्टा बना लीजिए, एक को पलट के आप दो का एक कीजिए, पूरी सिलाई को बनाइए और लास्ट में भी आप दो का एक कर दीजिए। इस तरह से हमने हरी ये 7वीं सिलाई की घटाई हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, 7 बार की घटाई कंप्लीट हो चुकी है। 8वीं सिलाई उल्टी साइड से, उल्टी साइड की घटाई भी वैसे करनी है जैसे हम करते आए हैं। पहला फंदा उल्टा और यहाँ दो का एक इस तरह से कीजिए, पूरी सिलाई को उल्टा बनाते हुए लास्ट में तीन फंदे रहने तक पूरा कीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, पूरी सिलाई को मैंने बना लिया है, लास्ट में ये तीन फंदे हैं। तो दो फंदे को ऐसे लेंगे, इस तरह से लूज करके आगे की साइड से ऐसे सिलाई डालेंगे और यहाँ दो का एक कर देंगे, लास्ट का फंदा उल्टा। इस तरह से आप देख सकती हैं ये जो हमारी फली है ये बिल्कुल सीधी बनेगी। 8 बार घटाई हो चुकी है, 9वीं सिलाई सीधी साइड, दो फंदे का एक यहाँ कीजिए और दो फंदे का एक यहाँ कीजिए, तो 9वीं सिलाई पर घटाई हो जाएगी। 9 बार की इसकी घटाई मैंने कंप्लीट कर ली है। 10वीं सिलाई उल्टी साइड से है, 10वीं सिलाई से फिर से वैसे ही घटाई करेंगे, इसके पहले फंदे को उल्टा बुन लेंगे और फिर दो फंदे का एक कर देंगे इस तरह से। पूरी सिलाई को उल्टा बुनते हुए जाएंगे लास्ट के तीन फंदे रहने तक। ये देखिए, लास्ट के तीन फंदे रहने तक सिलाई को मैंने बुन लिया है। अब इन दो फंदे को ऐसे लेंगे, हल्का सा लूज करके फिर ऐसे कर देंगे, आगे की साइड से सिलाई डाल के इन दो का एक कर देंगे और लास्ट का फंदा उल्टा। 10 बार इसकी घटाई हो चुकी है, 11वीं सिलाई सीधी साइड पर, यहाँ दो का एक कर देंगे और फिर यहाँ दो का एक कर देंगे। 11 सिलाइयों तक लगातार घटाई करने के बाद इसकी 12वीं सिलाई पर हम घटाई नहीं करेंगे। उसके बाद सिर्फ सीधी सीधी साइड से एक फंदे की यहाँ से और एक फंदे की घटाई यहाँ से करते जाएंगे।
और तब तक करते जाएंगे जब तक इसकी लेंथ, देखिए फ्रेंड्स ये जो हमने बैक और फ्रंट पार्ट में यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ बनाई हुई है जब तक ये पूरी नहीं हो जाएगी। ये देखिए मैं आपको इस बाजू की नाप कर दिखा देती हूँ, ये इस तरह से ऐसे नाप लीजिएगा और इसको ऐसे नाप लीजिएगा। देखिए ये हमने इसको पूरा किया हुआ है ऐसे, ये आप देख सकते हैं क्योंकि इस तरह से हमने इसको देख लेना नाप के। जब ये आपकी पूरी हो जाए तब तक आपने इसको घटाना है। इसके लास्ट में देखिएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 फंदे इस बाजू के यहाँ लास्ट में मेरे बचे हुए हैं। तो इस तरह से तो फ्रेंड्स हो गई है इसकी बाजू की घटाई। अब आ जाइए ये जो हमने इसके बैक पार्ट और इसके देखिए फ्रंट पार्ट में गले की घटाई की हुई है, ये कैसे की है, तो चलिए अब मैं आपको इसकी घटाई बता देती हूँ। ये स्वेटर का बैक पार्ट है, तो सबसे पहले हम बैक पार्ट में गले की घटाई कर लेते हैं। बैक पार्ट में घटाई करने के लिए यहाँ से ये जो हमने आर्म होल की कटिंग की है ये लेंथ आप 7 इंच तक बना लीजिए। अगर 7 इंच से 1 या 2 पॉइंट ऊपर होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे इस स्वेटर की जो लेंथ है वो देख लीजिए 7 इंच से 1 पॉइंट ऊपर तक बनी हुई है। लेंथ पूरी होने के बाद हमें इसमें घटाई करनी है। घटाई करने के लिए आप अपने यहाँ पर फंदे गिन लीजिए, मेरे यहाँ पर 50 फंदे बचे हुए हैं। बैक पार्ट में हमें इसके बीच में 18 से 20 फंदे बाइंड ऑफ करने होते हैं। मैं यहाँ पर इसमें 20 फंदे बाइंड ऑफ करूँगी तो जो बाकी के 30 फंदे बचेंगे उसमें से 15 इधर आ जाएंगे और 15 इधर आ जाएंगे। तो ये देखिएगा यहाँ से ये जो घटाई है इसे हम लगातार ऐसे ही करते रहेंगे इसकी लेंथ पूरी होने तक। 15 फंदे में से जब हम मैंने यहाँ पर देखिए 2 का 1 किया तो 1 फंदा कम हो गया है, तो ये 14 फंदे अब मैंने बना लिए क्योंकि 1 कम हो गया तो टोटल 15। अब बीच में इसमें 20 फंदे बाइंड ऑफ करने हैं। आप इसे सीधी या उल्टी साइड किसी साइड से भी घटा सकती हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। धागा अपनी तरफ करके ये देखिए यहाँ 2 फंदे का आप 1 फंदा कीजिएगा और ये जो हमने 2 का 1 किया है इस फंदे को आप हल्का सा लूज रखिए ताकि यहाँ से जब हम फंदे उठाएं तो यहाँ ये टाइट किनारी ना बने। फिर अगले वाले फंदे के साथ लेकर 2 का 1 कर दीजिए, फिर इसे लूज रखिए और अगले वाले फंदे के साथ 2 का 1, इस तरह से करते हुए 20 फंदे बीच में बंद कर देने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने बीच में इसमें 20 फंदे बाइंड ऑफ कर लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए 1 फंदा ये है और 14 फंदे हमारे ये हैं, तो 15 फंदे इधर के हमारे बच गए हैं। अब हम डिजाइन के हिसाब से आगे इसकी सिलाई पूरी करेंगे, धागा आगे करेंगे क्योंकि ये हमारे पैर में फंदे हैं आगे। अगर उल्टा होता तो उल्टा बना लेते लेकिन ये पैर वाला फंदा है, तो धागा आगे करके इस फंदे को ऐसे बनाएंगे, धागे को पीछे खींच देंगे, फिर इस फंदे को ऐसे बनाएंगे और आगे डिजाइन के हिसाब से सिलाई को पूरा करेंगे। और यहाँ पर देखिए ये हमने घटाई करनी है, तो ये 1 फंदा छोड़ के ये वाला और ये वाला, इन 2 का आगे एक सिलाई डाल के 2 का 1 करना है। ये देखिएगा इस तरह से यहाँ तक ये फंदे हमने बना लिए हैं और यहाँ 2 का 1 करना क्योंकि इस घटाई को हमने लास्ट तक करना है। 2 का 1 करेंगे और धागा आगे करके लास्ट के फंदे को उल्टा बनाएंगे। उल्टी सिलाई अब हम यहाँ तक उल्टी बनाएंगे। उल्टी सिलाई बनाने के बाद अब आ जाइए इसकी फिर से यहाँ सीधी सिलाई पर। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आपके 15 से ज़्यादा फंदे बचे हों ये वाले फंदे बाइंड ऑफ करने के बाद आप, तो आप यहाँ पर 3 फंदे एक साथ बाइंड ऑफ कीजिएगा और अगर इतने ही हों तो आप यहाँ पर 2 फंदे घटा दीजिए। तो धागा अपनी तरफ कीजिए और 2 का 1 कर दीजिए, इस फंदे को वापस सिलाई में लीजिए और अगले वाले फंदे के साथ लेकर 2 का 1 कर दीजिए। अब हम डिजाइन के हिसाब से इस सिलाई को पूरा करेंगे और यहाँ पर ये 2 फंदे की घटाई करके उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बना देंगे। अब फिर से आप इसकी सीधी साइड पर आ जाइए और यहाँ पर 2 फंदे फिर से घटा दीजिए, 2 फंदे का 1 कीजिए, फंदे को वापस सिलाई में डाल लीजिए और ये ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, हल्का सा लूज होना चाहिए। अगले वाले फंदे के साथ लेकर फिर से 2 का 1 कीजिए और डिजाइन के हिसाब से इस सिलाई को पूरा करना है और यहाँ पर हमने 2 फंदे की जो ये घटाई करते आ रहे हैं इसको ऐसे ही करना है। ये देखिए फ्रेंड्स इस टाइम मेरे यहाँ पर 8 फंदे बचे हुए हैं और शोल्डर के हमें सिर्फ 5 फंदे रखने हैं। अगर आपके ज़्यादा फंदे तो बचे हों तो आप यहाँ से 2 फंदे की घटाई कर लीजिए, अगर कम फंदे बचे हों इतने ही हों तो आप यहाँ से इस टाइम 1 फंदा ऐसे घटा दीजिएगा और डिजाइन के हिसाब से जितने फंदे बचे हुए हैं उन्हें आप ऐसे ही बना लीजिएगा। ये देखिएगा ऐसे
क्योंकि आठ ही फंदे बचे हुए थे, तो इसमें से एक फंदा हमने यहाँ पर घटा दिया और एक फंदा हमने यहाँ पर घटाना है। तो धागा पीछे करेंगे, आगे की साइड से सिलाई डाल के यहाँ दो का एक कर देंगे और लास्ट के फंदे को उल्टा। अब ये जो छह फंदे बचे हैं इन्हें उल्टी साइड से उल्टा बनाइए। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इस गले की ये शेप आई है। यहाँ पर अब हमारे ये छह फंदे बचे हुए हैं, तो छह में से हम यहाँ पर एक फंदा घटाएंगे, यहाँ पर नहीं घटाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये दो फंदे का हम यहाँ एक करेंगे और फिर जो फंदे बचे हैं उन्हें उसी हिसाब से बनाकर एक बार उल्टी साइड से भी हम इन्हें उल्टा बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से उल्टी साइड से ये पांच फंदे मैंने उल्टे बना लिए हैं। अब ये जो पांच फंदे बचे हुए हैं इन्हें आप किसी भी सेफ्टी पिन में डालकर छोड़ दीजिएगा, क्योंकि अगर हम इन्हें सिलाई में छोड़ते हैं तो ये पांच ही फंदे हैं और सिलाई बार बार हमें परेशान करती रहेगी। तो ये देखिए इस तरह से हम इनको लेंगे और इसमें बंद करके इनको छोड़ देंगे। जब हम गले की बुनाई करेंगे तब ये हमारे काम आएंगे। अब ठीक इसी तरह की घटाई हमें इस साइड पर करनी है, तो इस साइड हम यहाँ से थोड़ा सा लंबा धागा छोड़ के काट देंगे और यहाँ पर बांध लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने अपने इस धागे को ज्वाइंट कर लिया है। अब इस पार्ट में तो जो हमने फंदे घटाए थे बाद में वो सीधी साइड से घटाए, लेकिन जब हम यहाँ से इसको बुनेंगे तो ये हमारे यहाँ उल्टी साइड पर घटाए जाएंगे। तो धागा बांधने के बाद आप यहाँ दो फंदे घटा दीजिएगा। देखिए दो का एक कीजिए, इसे वापस सिलाई में लीजिए और फिर दो का एक कर दीजिए। फिर इस सिलाई को आप बना लीजिए सीधी साइड पर। यहाँ से हमने जो घटाई कर रहे हैं उसको जारी रखना है और सिलाई को बुन लेना है। सीधी सिलाई बुनने के बाद अब आ जाइए इसकी उल्टी सिलाई पर। अब फिर से हम जैसे हमने यहाँ दोबारा से दो फंदे की घटाई की थी, तो यहाँ से भी दो की घटाई करेंगे। देखिए एक हो गया, इसे वापस डाल लेंगे और अगले वाले फंदे के साथ लेकर दो का एक कर देंगे, तो दो फंदे की घटाई हो गई है। ठीक ऐसे ही इस उल्टी सिलाई को बनाएंगे और उल्टी सिलाई बनाने के बाद सीधी साइड पर हम यहाँ दो का एक करेंगे और सिलाई को बुन लेंगे। अब आ जाइए इसकी उल्टी सिलाई पर। जैसे वहाँ से हमने एक फंदा घटाया, अब यहाँ से एक फंदा घटाएंगे और अपनी सिलाई को ठीक वैसे ही हम बुन लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अब हमारे सिर्फ छह फंदे बचे हुए हैं, तो एक फंदे की हम यहाँ से घटाई इसमें फिर से कर देंगे। ये देखिए ये हमने एक फंदा घटा लिया है और आगे के चार फंदे हम इसके ऐसे ही अब बना लेंगे। ये देखिएगा यहाँ पर अब हमारे सिर्फ पांच फंदे बचे हुए हैं, तो सीधी साइड से अब एक बार हम इस सिलाई को बिना घटाए बुन देंगे। ये देखिए इस एक फंदे को ये उल्टा है तो इसे उल्टा बना दीजिए और ये सीधा है तो इसे सीधा बना दीजिए। और अगले वाले जो दो फंदे पर हमारा डिजाइन बना हुआ है, तो उस डिजाइन को आप ठीक वैसे ही बनाइए जैसे आपका बना हुआ हो। तो ये घटाई हमारी यहाँ पर फ्रेंड्स कंप्लीट हो जाती है। तो आपने यहाँ पर ध्यान रखना है, ये देखिए इसका धागा आपका इधर गया हुआ है, तो ये पांच फंदे आप पिन में डालकर छोड़ दीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, अब घटाई के बाद मैं इसकी आपको लेंथ नाप कर दिखा देती हूँ। आप यहाँ इंची टेप रखिएगा और ये देख लीजिएगा यहाँ से अब ऐसे, और ये देख लीजिए अब हमारी ये पूरी 9 इंच इसकी लेंथ हो गई है। तो इस तरह से बैक पार्ट में गले की घटाई हो चुकी है। अब आ जाइए इसके फ्रंट पार्ट में। फ्रंट पार्ट में घटाई करने के लिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से ये जो हमने आर्म होल की कटिंग की हुई है, ये आपकी इस तरह से देखिए 5.5 इंच तक होनी चाहिए। अगर 5.5 इंच से एक या दो पॉइंट कम या ज़्यादा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी यहाँ से यहाँ तक इसकी जो लेंथ बनी हुई है वो पूरी 5.5 इंच बनी हुई है। अब इसकी घटाई करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने फंदे को गिन लेंगे कि हमारे फंदे कितने हैं। मेरे यहाँ पर 67 फंदे बचे हुए हैं। तो फ्रंट पार्ट में घटाई करने के लिए फ्रेंड्स हम 15 से 16 फंदे बीच में बाइंड ऑफ करते हैं, तो मैं इसमें 15 फंदे बाइंड ऑफ करूंगी। तो इसके लिए देखिए कैसे करना है, यहाँ से जो ये घटाई है इसको हम जैसे करते आ रहे हैं ठीक वैसे ही करते जाएंगे। तो जो आपके फंदे बचे हैं उनका आप पहले हिसाब लगा लीजिएगा। अगर बीच में आपने 15 फंदे बाइंड ऑफ करने हों तो 15 फंदे निकालने के बाद आपके कितने फंदे बचते हैं। अगर मैं इसमें बीच के 15 फंदे निकाल लेती हूँ तो मेरे 52 फंदे बचते हैं। 52 में से 26 फंदे इधर के हो जाएंगे और 26 फंदे इधर के हो जाएंगे। तो ये हिसाब आपने जरूर लगा लेना है कि जो फंदे हमने बाइंड ऑफ करने हैं उसके बाद जो बचेंगे वो आधे इधर हो जाएंगे और आधे इधर। तो 26 फंदे हमने इस साइड के रखने हैं। तो यहाँ पर हम जो घटाई कर रहे हैं उसको जारी रखेंगे, इस फंदे को लेंगे और पलट के सीधा कर देंगे
और दो फंदे का एक कर देंगे। तो एक फंदा हमारा यहाँ पर कम हो गया है। अब टोटल हमें यहाँ 25 फंदे बनाने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये 25 फंदे बना लिए हैं, क्योंकि 26 फंदे होने चाहिए जिसमें से एक फंदा यहाँ पर घट गया, तो 25 अब मैंने बना लिए हैं। अब धागा अपनी तरफ करके यहाँ बीच में आप 15 फंदे बाइंड ऑफ कर दीजिए, दो का एक कीजिए, इसके साथ लेकर आप दो का एक कर दीजिए। फिर इस फंदे को इस सिलाई पर लीजिए और इसे आप हल्का सा लूज रखिए, टाइट मत होने दीजिएगा, और अगले वाले फंदे के साथ दो का एक कर दीजिए। इस तरह से करते हुए बीच में 15 फंदे बंद कर दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इसमें बीच में मैंने 15 फंदे बाइंड ऑफ कर लिए हैं। 25 फंदे यहाँ पर हैं और एक फंदा यहाँ पर है। आगे हमें डिजाइन के हिसाब से फंदे देखने हैं। जिस हिसाब से आपके फंदे हों उसी हिसाब से आप इस सिलाई को पूरा कीजिएगा। और यहाँ पर ये जो हम घटाई इसकी करते आ रहे हैं, यहाँ पर आपको ऐसे ही इसकी घटाई करनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से फंदे बाइंड ऑफ करने के बाद डिजाइन के हिसाब से हमने सिलाई को पूरा कर लिया है और यहाँ से इसकी घटाई कर दी है और उल्टी सिलाई को पूरा उल्टा बना करके पूरा कर लिया है। अब आ जाइए इसकी सीधी साइड पर। सीधी साइड से अब यहाँ पर आप तीन फंदे इसमें बाइंड ऑफ कर दीजिए। देखिए, दो का एक कीजिए, फंदे को वापस लीजिए, फिर से दो का एक कर दीजिए। दो बार हो गया, फिर अगले वाले फंदे के साथ लेकर दो का एक कर दीजिए। आगे अपने डिजाइन के हिसाब से सिलाई को पूरा कीजिए और यहाँ से इसकी घटाई कीजिए। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनानी है। अब आ जाइए इसकी सीधी साइड पर। अब यहाँ पर हम दो फंदे की घटाई करेंगे। तो तीन पहले घटाए थे, इस सिलाई पर दो घटा देंगे, तो दो फंदे का एक कर देंगे, फंदे को वापस सिलाई पर लेंगे और दो का एक कर देंगे। इस तरह से अब आगे डिजाइन के हिसाब से इस सिलाई को हम बनाते हुए जाएंगे। अब यहाँ से आप एक फंदे की घटाई कर दीजिएगा, दो फंदे लीजिए और दो का एक कर दीजिए, फिर डिजाइन के हिसाब से सिलाई को बनाइए और यहाँ से इस घटाई को आपने जारी रखना है। ये देखिएगा फ्रेंड्स, इस तरह से इधर की घटाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इधर से हमें अब फंदे नहीं घटाने हैं, अब सिर्फ इधर से फंदे घटाने हैं। ये जो इसकी हमारी लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक इसकी जितनी लेंथ है, इतनी लेंथ हमने इसकी बनानी है और एक एक फंदा यहाँ से घटाते जाएंगे। लास्ट में हमने यहाँ पर पांच फंदे ही रखने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी घटाई एक साइड की कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है आप इसे नाप कर देख लीजिएगा और इधर से हमारी ये घटाई हो गई है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक कॉमन बात बता देती हूँ। अगर आपके फंदे आपको कम लग रहे हो तो बीच में जहाँ मैंने 15 फंदे बाइंड ऑफ किए हैं वहाँ आप 13 भी कर सकती हैं, लेकिन 15 से ज़्यादा मत कीजिएगा। और घटाई करते टाइम यहाँ आपको ज़्यादा फंदे लग रहे हों तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने 3, 2, 1 की घटाई की है तो आप एक एक फंदे की घटाई और आगे तक इसकी जारी रख सकती हैं। ये आपको देखना होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ घटाई करते हुए इसकी लेंथ पूरी हो जाए और फंदे ज़्यादा बच जाए। तो अब मैं आपको इसमें नाप कर दिखा देती हूँ। ये देखिएगा, इसे आप ऐसे नाप लीजिएगा इस पार्ट से, क्योंकि ये हमारी लेंथ बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। तो ये दोनों पार्ट बराबर हो गए। अब हमें इस साइड की घटाई करनी है। तो इस साइड की घटाई करने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाले जो फंदे हैं इनको भी हम एक सेफ्टी पिन में छोड़ देते हैं और धागा यहाँ पर ज्वाइंट कर लेते हैं। ये देख लीजिए फ्रेंड्स, इधर मैंने ये धागा अपना ज्वाइंट कर लिया है। घटाई हमने सेम ऐसे ही करनी है जैसे इस साइड की है। तो यहाँ पर हम दो फंदे का एक करेंगे, अगले वाले फंदे के साथ लेकर फिर से दो का एक कर देंगे और एक बार फिर से यहाँ दो का एक कर देंगे। तो देखिए, तीन फंदे बाइंड हुए। उल्टी साइड से इसमें यहाँ घटाई हो रही है, यहाँ सीधी साइड से हुई थी। डिफरेंस सिर्फ इतना ही आएगा, जैसे घटाई इस साइड से की है ठीक ऐसे ही 3, 2, 1 की घटाई अब मैं इधर से करूंगी और इधर से ये घटाई मैं इसकी जारी रखूंगी। और जितनी लेंथ मैंने इसकी बनाई है सेम लेंथ इसकी बनाने के बाद फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से दोनों साइड की इसकी घटाई कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसकी जो ये राउंड आई है वो कितनी अच्छे से आई है। जब इसकी बुनाई हो जाएगी तब इसकी लुक और भी सुंदर आएगी। तो पांच फंदे हमारे यहाँ पर बचे हैं और पांच फंदे यहाँ पर बचे हैं। तो ये हमारी घटाई इसकी कंप्लीट हो चुकी है और दोनों साइड की ये जो लेंथ है बिल्कुल बराबर हो चुकी है। इसका गला बुनने के लिए आप अपने चारों पार्ट्स को इस तरह से लाइन में रख लीजिए, बाजू, फ्रंट पार्ट, दूसरी बाजू और फिर इसका बैक पार्ट। चारों पार्ट आपके इस तरह से लाइन में होने चाहिए और सीधे होने चाहिए। अब हम देखिए, ये गला बुनने वाली 10 नंबर की सिलाई लेंगे। आप यहाँ पर राउंड नीडल का इस्तेमाल भी कर सकती हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है।
अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम इसकी स्टार्टिंग करेंगे। सबसे पहले ये बाजू उठाएंगे। इस बाजू के देखिए यहाँ पर हमने 21 फंदे जो छोड़े हुए हैं, इन 21 फंदे को इस गले वाली सिलाई में सीधा सीधा बुनकर ले लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 21 फंदे मैंने इस सिलाई में बना लिए हैं। अब हम इसका ये फ्रंट वाला पार्ट उठाएंगे और ये देखिए इसके शोल्डर पर जो हमने ये 5 फंदे छोड़े हुए पिन में, इन्हें पहले एक सिलाई में लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, पिन से मैंने इनको सिलाई पर ले लिया है और ये 5 फंदे भी अब मैं इसी सिलाई में सीधे बना लूँगी। इनको आप थोड़ा सा टाइट करके बुन लीजिए जिससे यहाँ पर ये अच्छे से अटैच हो जाए। देखिए 1, 2, 3, 4 और ये 5। यहाँ पर भी हमारा धागा है क्योंकि इस पार्ट का था, तो इसे हम यहीं पर छोड़ देंगे। आप चाहो तो यहाँ पर इस धागे के साथ इसकी नोट लगाकर इसको काट सकती हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे पास सिर्फ एक धागा बच गया है। एक को हमने काट के यहाँ पर बांध दिया है। अब देखिए, ये हमारे जो फ्रंट पार्ट में घटाई हुई है, इसमें हमने फंदे उठाने हैं। तो एक सिलाई जो हमने यहाँ से ली है, ये जो फ्रंट पार्ट है इसके यहाँ बीच तक, यहाँ से यहाँ तक हम फंदे एक सिलाई में लेंगे। फिर यहाँ से यहाँ तक के और ये शोल्डर के और दूसरी बाजू के हम फिर दूसरी सिलाई में लेंगे। तो यहाँ पर आप मार्क भी लगा सकती हैं अगर आपको ऐसे पहचान करने में प्रॉब्लम हो। ये देखिए, इस तरह से आप सेफ्टी पिन ले सकती हैं और इसको ऐसे फोल्ड कर लीजिए ताकि आपको बराबर बराबर फंदे उठाने में प्रॉब्लम ना आए। और इसके बीच में यहाँ पर इस पिन को लगा दीजिए। इससे आपको पता चल जाएगा कि मुझे फंदे कहाँ तक उठाने हैं। अब यहाँ से यहाँ तक लगभग मैं 28 से 30 फंदे उठाऊँगी। अगर आपके 25 फंदे भी उठते हैं तो कोई बात नहीं, तो मैं लगभग 28 से 30 फंदे उठाऊँगी। तो फंदे कैसे उठाने हैं देखिएगा, बिल्कुल हमने फंदे से फंदा मिलाते हुए उठाना है। ऐसे देखिए, एक फंदा उठा लिया, फिर हमने ये दूसरा फंदा उठाया, 2, फिर यहाँ से 3, फिर यहाँ से 4। इस तरह से करते हुए फ्रेंड्स, मैं यहाँ तक इसमें 28 से 30 तक फंदे उठा लूँगी। 30 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक ये मैंने पूरे 30 फंदे उठाए हैं। अब मैं इसकी दूसरी सिलाई लूँगी, ये वाली। और ये देखिए, इस पिन को यहाँ से हटा दूंगी और दूसरी सिलाई में यहाँ से यहाँ तक मैं 30 ही फंदे उठा लूँगी। फंदे हमने वैसे ही उठाने हैं जैसे अभी तक उठाते आए हैं। ऐसे करेंगे देखिए, यहाँ से इसको 1 और ये 2, इस तरह से उठाते हुए मैं पूरे 30 फंदे इसमें कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से 30 फंदे मैंने इस सिलाई में भी उठा लिए हैं। अब हमने ये देखिए, ये जो 5 फंदे पिन में हैं, इनको हमने सीधा बुनते हुए इस सिलाई में ले लेना है। आप चाहो तो इन्हें ऐसे भी बुन सकती हैं और आप चाहो तो पहले उनको एक सिलाई में कर सकती हैं और फिर आप इनकी बुनाई कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह भी बना सकती, तो मैं 5 फंदे इसमें बनाकर उतार लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 5 फंदे मैंने इसमें बुन लिए हैं। अब हम अपनी ये वाली बाजू उठाएंगे और इस बाजू के ये जो 21 फंदे हैं, ये इस सिलाई में बुन देंगे। देखिएगा, फिर से दिखा रही हूँ, एक सिलाई में हमारे ये बाजू के 21 फंदे, फिर फ्रंट वाले पार्ट के शोल्डर के 5 फंदे और ये जो 30 फंदे हमने उठाए हैं वो हो गए हैं। फिर हमने सेकंड सिलाई ली है, 30 फंदे उठा लिए हैं, 5 फंदे शोल्डर के सीधे बुन लिए हैं। और अब ये वाली बाजू लेंगे और ये 21 फंदे इसमें सीधे बुन लेंगे। यहाँ से आप इस धागे को काट कर इसके साथ पहले अटैच कर सकती हैं या बाद में कर सकती हैं, ये आपकी अपनी चॉइस होगी। तो देखिए, इसको ऐसे पकड़ लीजिए और इनको ऐसे बुन लीजिए। ये धागा अगर लूज होए तो इसको ऐसे खींच के टाइट कर दीजिए। तो ये 21 फंदे मैं इसमें सीधे सीधे बुन लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से 2 बाजू और फ्रंट पार्ट के फंदे उठाकर ये हमारा अटैच हो गया है। अब हम अपना ये बैक पार्ट उठाएंगे और ये जो 5 फंदे हमने पिन में रखे हुए हैं, इसको सिलाई में लेंगे और ये 5 फंदे इसी गले की सिलाई वाले में सीधे बुनकर इसमें ले लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने ये पिन से सिलाई में ले लिए हैं और इसके साथ अब इनको सीधा बुन देंगे। इससे हमारा ये बैक पार्ट भी यहाँ अटैच हो जाएगा। ये देखिए, 1, 2,
तीन, चार और ये पांच। अब देखिए ये वाला जो धागा है इसे हम यहीं पर काटेंगे ताकि ये आगे लूज ना हो, तो इसको मैं इतना कट करके इसके साथ बांध देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ से काट दिया है और ये पांच फंदे इस सिलाई में आ गए। अब हम एक गले की सिलाई और लेंगे और ये जो बैक पार्ट का हमारा हिस्सा है इसमें 35 से 40 फंदे मैं उठा लूँगी। इसमें देखिए ऐसे करेंगे यहाँ से और इसमें फंदे उठाना शुरू करेंगे। एक, दो, इस तरह से करते हुए मैं पूरे इसमें 35 से लेकर 40 तक फंदे उठा लूँगी, 40 से ज़्यादा फंदे नहीं उठाऊँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने ये 39 फंदे उठाए हैं। अब ये जो पांच फंदे हमारे स्पिन में हैं इनको पहले एक सिलाई में करूँगी और सीधा बुन के इसी सिलाई में वापस ले लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भी हमारा ये इस पांच फंदे के साथ धागा है, तो इसको काट के मैं अपने इस वाले धागे के साथ बांध के इसे टाइट कर देती हूँ। अब देखिए ये मैंने यहाँ से बांध लिया है, अब ये एक ही धागा बचा हुआ है और ये पांच फंदे अब सीधे बुनते हुए इस सिलाई में ऐसे कर लेंगे। एक, और ये देखिए ये दो, तीन, और ये हमने पिन में लिया था तो थोड़ा सा उलझ गया था, चार और ये पांच। अब देखिए कैसे करेंगे। अब हम अपनी चौथी वाली सिलाई उठाएंगे और इसको ऐसे ले लेंगे, ये देखिएगा इस तरह से। एक बार थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, उसके बाद ये बहुत आसानी से बनता चला जाएगा। यहाँ से हम बुनना शुरू करेंगे। अब दो फंदे उल्टे और इसको थोड़ा सा ऐसे करके ले आइए इस धागे को, ताकि ये इसके साथ अटैच हो जाएगा और राउंड भी बनना शुरू हो जाएगा। ये देखिए एक, और ये दो फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे और दो फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और दो फंदे उल्टे। इस तरह से करते हुए इस सिलाई के सारे फंदे अब हमारे इस फोर्थ नंबर की सिलाई में आ जाएंगे, क्योंकि तीन सिलाइयों में हमने चारों पार्ट के फंदे उठाते हुए और कर लिए हैं। ये देखिए अब धागा अपनी तरफ और दो फंदे उल्टे, तो मैं यहाँ से और अब यहाँ तक इसे इसमें ऐसे ही बनाऊँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक मैंने इसको बुन लिया है और इस सिलाई में दो फंदे ये सीधे आने के बाद एक फंदा हमारा उल्टा आया है। तो अब हम क्या करेंगे, एक सिलाई और लेंगे और इसमें से एक फंदा उल्टा बना देंगे, क्योंकि हमने दो उल्टे और दो सीधे से बॉर्डर बना रहे हैं, तो यहाँ एक आया है तो एक हम इसमें से लेंगे ताकि हमारा यहाँ वापस से पेयर बन जाए। तो ये देख लीजिए, ये एक फंदा हमने यहाँ पर उल्टा बुन लिया, तो ये एक उल्टा यहाँ हो गया, एक इस सिलाई में है। फिर धागा पीछे करेंगे और दो फंदे सीधे बुनेंगे। देखिए एक, दो, इसको ऐसे एक सिलाई से दूसरी सिलाई में अटैच करते टाइम धागे को थोड़ा सा टाइट रखिए, नहीं तो यहाँ से ये लूज हो जाएगा और गले की जो शेप आएगी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जब आप एक सिलाई से दूसरी सिलाई चेंज करेंगे तो यहाँ पर धागा टाइट होना चाहिए। फिर धागा अपनी तरफ कीजिए और दो फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे और दो फंदे सीधे। इस तरह से करते हुए अब इस सिलाई के सारे फंदे हम इसमें बुन लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस तरह से ये दोनों धागे मैंने छोड़ दिए थे जो मैंने काटे नहीं थे। अब इन दोनों को आपस में यहाँ पर बांध देंगे तो यहाँ से ये टाइट भी हो जाएगा और ये धागे भी हट जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इन फंदे को इसमें बुन लिया है और यहाँ पर ये दो फंदे सीधे होने के बाद एक फंदा बच गया है। धागा अपनी तरफ करेंगे और इस एक फंदे को इस तरह से उल्टा बुन लेंगे। अब इस सिलाई को लेंगे, आप चाहो तो एक फंदा इस सिलाई में देखिए ऐसे कर सकती हैं, ऐसे ले लीजिएगा और ये जो यहाँ पर एक उल्टा है इसके साथ ही इसको उल्टा बुन दीजिएगा। यहाँ पर ये आपकी अपनी चॉइस होगी और आप चाहो तो दूसरी सिलाई में बुन दीजिए। तो यहाँ पर दो उल्टे हो गए, अब धागा पीछे कर लेंगे और ये वाली सिलाई लेंगे और यहाँ से अब दो फंदे सीधे बुन देंगे। ये देखिए एक और ये दो, धागा अपनी तरफ करेंगे और दो फंदे उल्टे। इस तरह से करते हुए
अब ये सारे फंदे इस सिलाई में बुन लेंगे, दो उल्टे दो सीधे। और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना होगा, आप अपने फंदे का पहले ही हिसाब लगा लीजिए। यहाँ हमने स्टार्टिंग दो फंदे उल्टे से की थी, तो इसके एंड में दो फंदे सीधे आने चाहिए। तो ये इस सिलाई के फंदे बुनते टाइम आप हिसाब लगा कर देख लीजिएगा, अगर दो फंदे उल्टे नहीं आ रहे हों तो आप या तो दो फंदे घटा दीजिए या बढ़ा दीजिए, ये आपकी अपनी चॉइस होगी। ये देखिए फ्रेंड्स, फंदे उठाने के बाद राउंड में हमारी एक सिलाई पूरी हो चुकी है और इसमें मैंने ना कोई फंदा घटाया है और ना ही बढ़ाया है, उसी में हमारे यहाँ दो फंदे सीधे आ गए हैं, यहाँ से हमने उल्टे से स्टार्ट की थी। तो अब हम फिर से इसमें राउंड में इसी तरह से बनाते आएंगे, जो फंदे उल्टे हैं वो उल्टे बना लेंगे और जो सीधे हैं वो सीधे। फ्रेंड्स इसमें सिर्फ दो सिलाइयाँ बुनने में ही प्रॉब्लम आती है, तीसरी सिलाई जब हम इसकी बुनते आएंगे तो बहुत ही आसानी से वो सेट हो जाएगी, क्योंकि दो सिलाइयों में ये जो हमारे जोड़ होते हैं ये आपस में मिल जाते हैं। अब देखिएगा, यहाँ से हम इस सिलाई में लेंगे और ये दो फंदे हमारे उल्टे हैं तो इनको उल्टा बुन लेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे और ये दो फंदे अब सीधे बुन देंगे। इस तरह से हमने इसको बुनना है, दो फंदे उल्टे हैं, फिर धागा पीछे और दो फंदे सीधे हैं। अब ऐसे ही बुनते जाएंगे, उल्टे पर उल्टा और सीधे पर सीधा। अब इस सिलाई के फंदे इसमें आ जाएंगे, फिर यहाँ पर आएंगे तो ये सिलाई हमारी खाली हो जाएगी, फिर इसको बुन लेंगे, फिर ये सिलाई खाली हो जाएगी तो फिर इसको बुन लेंगे। तो इस तरह से राउंड में हम इसमें बुनते जाएंगे, ये हमारी फंदे उठाने के बाद दूसरी सिलाई है। तो फ्रेंड्स अगर आप सिलाइयों से इस गले को ऊपर से बंद करना चाहेंगी तो आप लगभग 10 सिलाइयाँ बना लीजिए, और मैं इसमें फ्रेंड्स सुई से बंद करूंगी तो मैं पहले इसमें 8 सिलाइयाँ बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी। सिलाइयाँ आपने ऐसे ही बनाते जानी हैं राउंड में, जो उल्टे हैं तो उल्टे और सीधे हैं तो सीधे। तो मैं इसमें ये दूसरी और इसके बाद 6 सिलाइयाँ और बना के फिर आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स इसमें मैंने पूरी 8 सिलाइयाँ बना ली हैं। अगर आपको सिलाइयों से गला बंद करना हो तो आप एक सिलाई और बना लीजिए और फिर सारे फंदे बाइंड ऑफ ऐसे राउंड में कर दीजिए। अगर आपको ये सुई से गला बंद करना हो तो 8 सिलाई के बाद देखिए 9वीं सिलाई पर हमने यहीं से इसको बुनना शुरू किया था, तो ये जो हमारे स्टार्टिंग के दो फंदे उल्टे हैं इन्हें आप देखिए धागा ऐसे कर लीजिए और बिना बुनाए उतार लीजिए। हमने धागा पहले से अपनी तरफ किया हुआ है, इस उल्टे फंदे के आगे से धागे को पीछे ले जाइए और ये जो हमने इसके आगे से धागा किया है ज़्यादा टाइट ना हो, और ये जो दो फंदे सीधे हैं इनको बना लीजिए, फिर धागा अपनी तरफ कर लीजिए और ये जो दो फंदे उल्टे वाले हैं इनको उतार दीजिए, धागा इनके आगे से पीछे कर दीजिए और सीधे वाले फंदे को सीधा बुन दीजिए, फिर धागा अपनी तरफ कीजिए और उल्टे फंदे को ऐसे उतार लीजिए, इनके आगे से धागे को पीछे कीजिए और सीधे वाले फंदे को सीधा बुन दीजिए, धागा अपनी तरफ, फिर से उल्टे फंदे को उतार लीजिए। इस तरह से करते हुए राउंड में पूरी सिलाई को बुन दीजिए। आपने उल्टे फंदे को धागा अपनी तरफ करके बिना बुनाए उतार लेना है, इनके आगे से धागे को पीछे ले जाना है और जितने भी फंदे सीधे हैं वो आपने बुन लेने हैं। इस तरह से करते हुए मैं पूरी सिलाई को बना लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से पूरी 9वीं सिलाई को मैंने बना लिया है। अब आ जाइए इसकी 10वीं सिलाई पर, धागे को अपनी तरफ कर लीजिए और ये जो उल्टे वाले फंदे हैं इनको आप फिर से ऐसे ही बिना बुनाए उतार लीजिएगा। इस धागे को इनके आगे से पीछे की तरफ ले जाइए और ये जो सीधे वाले फंदे हैं इनको आप सीधा बनाइए, फिर से धागे को अपनी तरफ कीजिए, ये जो उल्टे वाले फंदे हैं इनको ऐसे बिना बुनाए उतार लीजिए, इनके आगे से धागे को पीछे ले जाइए और ये सीधे वाले फंदे बना लीजिए, फिर धागा अपनी तरफ और उल्टे फंदे उतार लेंगे। फिर से बता रही हूँ, ये जो धागा हम इसके आगे से कर रहे हैं ये आपको नॉर्मल रखना है, ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, नहीं तो यहाँ से हमारा जो गला है वो बिल्कुल ही टाइट हो जाएगा। अब ये सीधे फंदे बना लिए हैं, धागा अपनी तरफ करके उल्टे वाले को उतार लेंगे। इस तरह से करते हुए ये 10वीं और फिर 11वीं, इस तरह से ये हमने 3 सिलाइयाँ बनानी होती हैं, 9वीं, 10वीं और 11वीं। तो मैं 11वीं सिलाई इसकी पूरी करके फिर आपको दिखाऊंगी। तो ये 10वीं है, अगली इसकी 11वीं होगी।
फ्रेंड्स इसकी ये 11 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं और यहाँ से इस धागे को मैंने लंबा सा काट के सुई में डाल लिया है। अब इसको हमें सुई से सिलना है, तो ध्यान दीजिएगा कि कैसे करेंगे। ये जो दो फंदे हमारे उल्टे हैं, ये देखिए, इस धागे को ऐसे लेंगे और इस उल्टे फंदे को दोनों को एक साथ जैसे सीधा फंदा बनाते हैं ऐसे करके इस सुई पर उतार लेंगे और देखिए इस धागे को ऐसे निकाल देंगे इसके अंदर से। अब ये जो दो सीधे फंदे हैं इन दोनों को भी ऐसे लेंगे जैसे उल्टा फंदा बुनते हैं, दोनों को एक साथ सुई पर ऐसे लेंगे और इनको भी इस सुई पर ऐसे उतार के इस धागे को ऐसे खींच देंगे। ये देख लीजिए, इसको ऐसे खींच देंगे। ये हमने यहाँ से इस धागे को अटैच कर लिया है। अब देखिएगा कैसे करेंगे। ये पीछे की साइड से जो दो फंदे उल्टे पहले उतारे थे वो हमारी तरफ से उल्टे थे लेकिन बैक साइड से वो सीधे हैं, तो इन दोनों फंदे में से एक फंदे के सिरे को ऐसे उठा लीजिएगा और ये वाले जो दो उल्टे फंदे हैं इनमें ऐसे सुई लीजिएगा जैसे सीधा फंदा बुनते हैं और इसको ऐसे निकाल दीजिएगा। ये देखिए इस तरह से, और इसको सिलाई से उतार दीजिएगा और धागे को आप इस तरह से हल्का हल्का खींच दीजिएगा। ये ना तो आपने लूज छोड़ना है और ना ही ज़्यादा टाइट करना है। अब हमने पीछे के साइड के फंदे बुन लिए हैं, अब हमारे आगे के साइड के हैं। ये देखिए यहाँ पर ये जो दो फंदे सीधे हैं इसमें से एक को छोड़ के इस दूसरे वाले का ये वाला सिरा लेंगे और ये जो दो फंदे हमने इकट्ठे सीधे बनाए हुए हैं इन दोनों को ऐसे सुई पर उतार लेंगे जैसे हम उल्टा फंदा बुनते हैं और धागे को ऐसे खींच देंगे। ये देखिए इस तरह से, इस सिलाई के अगर ऊपर से आ जाए तो इसको आप उतार लीजिएगा ऐसे, और इसको थोड़ा सा आप टाइट कीजिएगा, ज़्यादा नहीं। अब हमने पीछे की साइड के दो फंदे जो हमारे उल्टे हैं उनको लेना है, तो उसको लेने के लिए ये देखिए फ्रेंड्स, जब आप ये बैक साइड के उल्टे फंदे बनाएंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये वाली जो हमारी लाइन है इसके हमारे दो फंदे हैं, तो एक को छोड़ के दूसरे वाले के देखिए इस सिरे में ऐसे सुई डालेंगे और अब ये जो दो उल्टे फंदे हैं इनको एक साथ सुई पर जैसे सीधा फंदा बुनते हैं ऐसे करके इनको सुई पर उतार लेंगे और इस धागे को ऐसे करके खींच देंगे। फ्रेंड्स इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना है, जब हम एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा बनाते हैं तो एक एक फंदा उतारना होता है और जब हम यहाँ दो दो फंदे का बना रहे हैं तो एक साथ हमें दो फंदे उतारने होते हैं। अब हमारा ये बैक साइड का हो गया है, अब इधर के देखिए ये दो फंदे सीधे हैं, तो उससे पहले ये वाले जो दो फंदे सीधे हैं इसके इस वाले फंदे के इस सिरे में ऐसे सुई डालेंगे और इनमें जैसे उल्टा फंदा बुनते हैं ऐसे करके इनको सुई पर उतार लेंगे और धागे को ऐसे खींच देंगे। ना तो हमने इसको ज़्यादा टाइट करना है और ना ही ज़्यादा लूज करना है। अब फिर से बैक साइड के बुनेंगे, तो देखिए ये इस साइड से हमें ये फंदे उल्टे दिखते हैं लेकिन इस साइड से ये सीधी लाइन होती है, तो दो फंदे में से ये इस तरह से इस सिरे को उठाएंगे और ये वाले दो हमारे उतारे हुए उल्टे फंदे हैं इनको ऐसे लेंगे जैसे सीधा फंदा बुनने के लिए हम सिलाई डालते हैं, दोनों को एक साथ सुई पे धागे पर ऐसे उतार लेंगे और धागे को हम खींच देंगे। ये देखिएगा ऐसे, ये हमारा बंद होना शुरू हो गया है। अब फिर से हम सीधी साइड वाला करेंगे, तो ध्यान से देख लीजिएगा ये वाला, ये देखिए एक और ये दो फंदे जो सीधे हैं इस फंदे को छोड़ के इस फंदे के इस पार्ट को लेंगे और ये वाले दो फंदे जो सीधे हैं इनको एक साथ ऐसे सिलाई पर उतारेंगे और सुई को इसके अंदर से ऐसे निकाल देंगे। अब हमने बैक साइड के बुनने हैं, ये देखिए यहाँ से ये दो फंदे आपको बैक साइड से सीधे नजर आएंगे, एक फंदे को छोड़ के दूसरे फंदे के इस वाले सिरे में ऐसे सुई डाल लेंगे बिल्कुल ऐसे और इन दोनों उल्टे वाले फंदे को जो अपनी तरफ से उल्टे दिख रहे हैं ऐसे सुई पर लीजिए एक साथ और इनको ऐसे खींच दीजिए।
एक बार फिर से आपको दोनों तरफ से दिखा देती हूँ, फिर पूरे हमने राउंड में ऐसे ही करने हैं। ये देखिए, ये यहाँ से जो दो फंदे सीधे की लाइन है, इसको आप इस वाले सिरे को ऐसे उठा लीजिए और इन दोनों सीधे फंदे को जैसे उल्टा फंदा बुनने के लिए सिलाई डालते हैं ऐसे करके सुई पर उतार लीजिए और इसको ऐसे खींच दीजिए। अब बैक साइड के हैं, देखिए इधर से ये जो दो उल्टे नज़र आ रहे हैं बैक साइड से सीधे दिखेंगे, तो ये वाली जो दो फंदे सीधे की लाइन है इसके इस वाले फंदे के इस पार्ट को ऐसे उठा लीजिए और दोनों फंदे को देखिए ऐसे करके इस सुई पर उतार लीजिए और इसको ऐसे खींच दीजिए। ये देखिएगा, इस तरह से ये हमारा सुई से डबल बॉर्डर ऊपर से बनना शुरू हो गया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से करते हुए मैं सारे फंदे बंद कर लेती हूँ। ये देखिए, इस सिरे को ऐसे उठाएंगे, सीधे वाले फंदे को ऐसे सुई पर लेंगे और इसको खींच देंगे। फिर बैक साइड का करेंगे, इस सिरे को हम ऐसे उठाएंगे और इन दोनों उल्टे फंदे को ऐसे करके सुई पर उतार लेंगे और धागे को खींच देंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसे राउंड में एक बार बना लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको राउंड में मैंने सिल लिया है। यहाँ लास्ट में देखिए आपको इसको कैसे अटैच करना है। यहाँ इधर वाले हमारे ये सीधे फंदे हैं, तो इस ऊपर वाले ये जो हमारे दो सीधे फंदे हैं इसके इस वाले फंदे में से ऐसे ये लूप उठाएंगे और इनको दो फंदे जो सीधे हैं इनको उल्टे फंदे की तरह सुई पर ले लेंगे। तो ये देखिए, अब अगर इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये यहाँ छेद बन जाएगा। पीछे की साइड देख लीजिए, ये जो सीधी लाइन दिख रही है इसमें से एक लूप को ऐसे उठा लीजिए और इस वाले पार्ट में देखिए यहाँ भी जो दो सीधे फंदे आपको नजर आएंगे उसके अंदर से ऐसे निकाल दीजिए। ये देखिए, यहाँ पर इस तरह से बहुत अच्छे से अटैच हो जाएगा। अब ये सीधे फंदे की जो हमारी लूप है इसको लीजिए और इधर वाली लूप में से सुई को ऐसे निकाल दीजिए और इन दोनों को ऐसे अटैच करके अब नीचे सुई से इस धागे को ले जाते जाइए और थोड़ा सा पक्का करके काट दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इसका ये गला बनके तैयार हो गया है। इसको जब आप ऐसे करेंगे, देखिए ये यहाँ पर इसकी बाजू है और इधर भी इसकी ये बाजू है, तो इस बाजू को ऐसे बीच से पकड़ के आप ऐसे सीधा करके जब आप इसको देखेंगे तो आप इस गले की शेप देख सकती हैं कितनी सुंदर इसकी शेप आई है। तो हमारा ये गला बनके तैयार हो चुका है।